तो आपकी बिरादरी के एक आए हैं इमरान जी बसपा से, इनका भी कुछ वोट है? कास्ट का, हर धर्म का, हर मतलब सारे लोग एक तरफा वोट देने के लिए तैयार है। लोग जाग चुके हैं, लोगों को अंदाजा है, लोगों को पता है कि अब इस देश को अगर बचाना है तो एकजुट होकर मोदी जी को इस देश से हटाना। इमरान आए हैं बसपा से, बसपा कुछ वोट काटेगी? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई जानते नहीं क्या है, कोई नहीं जानता इमरान कौन है, नहीं जानता। अखिलेश को बच्चा बच्चा के नोच जाना। हमने तो आज तक इन्हें देखा नहीं, पहली बार देखा है। और अखिलेश जी तो हमने जब से वो संभाला, अखिलेश जी को बराबर देखते हैं, बराबर हमारे महल्ले हमारे घरों में आते हैं। मुस्लिमों का वोट काटने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इमरान को बहुजन समाज पार्टी सेकंड बीजेपी है, सेकंड बीजेपी। सारे दल, सभी जो लोग हैं, हर समाज के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास किया, उनका स्वभाव अच्छा, लोगों के बीच में जाते हैं। हमारी चुनावी यात्रा इत्र की नगरी कन्नौज पहुंच चुकी है। कन्नौज की बात करें तो यहां से भाजपा के सांसद हैं सुब्रत पाठक। बहरहाल इसीलिए जो कन्नौज है, कन्नौज की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। यहां से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहां का नेतृत्व कर चुके हैं। यहां से 2019 के चुनाव में मामूली अंतर, यही कोई 12,000 के अंतराल से चुनाव जीतकर सुब्रत पाठक यहां से सांसद हैं। इस बार अखिलेश यादव स्वयं मैदान में उतरे हैं। वहीं बसपा, जिस बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उन्होंने इमरान को मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। तो इस बार ये हम शिवपुरा, ये जो कन्नौज का ये शिवपुरा एरिया है, यहाँ के लोग शेखपुरा है, ये मोहल्ला है, तो इस मोहल्ले में है, ये मुस्लिम बाहुल्य है। तो यहाँ का मुस्लिम किसके साथ जा रहा है? जो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद की तमाम जनसभाएं रद्द की, जब वो बीजेपी के खिलाफ मुखर हुए तो उनकी जनसभाएं रद्द कर दी गई, फिर यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया गया, यहाँ मुस्लिम दिया गया कई जगह और मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया, बस्ती में वहाँ प्रत्याशी बदल कर जो उसी बिरादरी का प्रत्याशी दिया गया, जो जिस बिरादरी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। तो लोगों का ये मानना है कि इस समय बहुजन समाज पार्टी है जो है वो बीप टीम के रूप में काम कर रही है, भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद के तमाम जनसभाएं रद्द कराई, उनको दिल्ली हटाया गया, उनको पद से हटा दिया गया। तो इस मुस्लिम इलाके में जानते हैं कि मुस्लिम इस बार किसके साथ जा रहा है, क्या उस जो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट दिया उसका कुछ असर है, उसके साथ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी किसके बीच जा रहा है? चाचा, इस बार यहाँ का जो मुस्लिम कैंडिडेट है, खासकर बात की जाए तो किसके साथ जा रहा है वो? मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी के साथ। अखिलेश यादव, हाँ, शुरू से ये जो शुरू से जा रहा है, लेकिन जो मायावती ने यहाँ कैंडिडेट दिया है बसपा ने इमरान, इमरान का कुछ असर है? यार कोई असर नहीं, वोट काटने के लिए खड़ा करा, वोट काटने के लिए। जी कुछ काटने के लिए नहीं खड़ा करा। जी बिल्कुल, तो वो डमी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। और यहाँ पे उनका कोई वजूद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो। जी बिल्कुल, डमी प्रत्याशी हैं उनके, भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफा जीत है और कई लाख से जीत होगी, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, तो मुस्लिम इधर उधर नहीं जा रहा। पिछली बार जो कन्नौज वालों से गलती हुई है, धोखे से हुई है, जिस तरीके से हुई उसको सुधार करके इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। जी बिल्कुल। ये आप रुक गए, ये मुस्लिम हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कन्नौज का मुस्लिम किसके साथ जा रहा है? मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, केवल इतना बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि ये जो और अदर पार्टियाँ हैं समाजवादी पार्टी के अलावा, ये बेकार में अपना टाइम और मेहनत कर रही हैं। समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट देना केवल रह गया है और सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। जीत गए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जीत गए 2.5 लाख वोट के प्लस। 50,000 आपने कम कर दिया, उधर कहे 3,000। 2.5 लाख प्लस का मतलब 3 ही लाख होते हैं। तो युवा है, क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ का मुस्लिम कहाँ जा रहा है? समाजवादी पार्टी में जा रहा है, समाजवादी पार्टी में। विकास, इनका विकास, विकास, विकास के नाम पे। जी हम लोग को विकास चाहिए। मुसलमान इधर का कन्नौज का किसके साथ जा रहा है? समाजवादी पार्टी के साथ। इमरान आए हैं आपकी बिरादरी, हर कास्ट हर कौम का वोट मिल रहा है, खाली मुसलमान नहीं, कौम का वोट तो मिल रहा है। हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि मुसलमान की बात करें, ये मुस्लिम बाहुल, ये नहीं मुस्लिम बाहुल इलाका है, जो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का वोट काटने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इमरान को बहुजन समाज पार्टी सेकंड बीजेपी है, सेकंड बीजेपी। जी जी, आज बहुजन समाजवादी पार्टी ने आकाश आनंद को इस्तीफा, उसका मतलब कोऑर्डिनेटर से हटा दिया पद से। किस लिए हटाया? क्योंकि वो अच्छा बोल रहा था बंदा, उसे बीजेपी खिलाफ मुखर हो रहा था, मुखर हो रहा था उसको बढ़ावा देने के लिए, कि उसको मतलब। जी जी बताएं, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो हमारे मौजूदा सांसद हैं उन्होंने विकास कोई किया नहीं है,
और जो भी विकास हुआ है हमारे कन्नौज में ये अखिलेश जी की देन है। चाहे अखिलेश जी हों, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, हमारे यहाँ जितने दरिया बहते हैं सारे पुल हमारे अखिलेश जी ने बनवाए हैं। आसिम अरुण जी मंत्री जी जो है वो? अरे वो खाली नाम वाले हैं, बस काम वाले नहीं है। बाबा साहब के नाम पे उन्होंने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हमें ये मंत्री जी बताएं, आपके माध्यम से हम पूछ रहे हैं, मंत्री जी ने बाबा साहब के नाम पे कितना काम यहाँ काम किया, सांसद जी ने क्या किया? क्यों इस बार जो मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं बसपा के, उसका कुछ असर पड़ेगा? 1% नहीं असर पड़ेगा विकास पे, विकास पे। और बिल्कुल, और आपने जो मायावती की बात कही है, क्यों भैया कहाँ जा रहे हैं इस बार? समाजवादी पार्टी ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की कर्म भूमि है, वहाँ से लोहिया जी की कर्म भूमि है, और वहाँ से फिर अखिलेश जी चुनाव लड़े। सारा एक समाज, एक सिर्फ मुस्लिम वर्ग नहीं, एक पूरा समाज, पूरा कोई धर्म विशेष नहीं, सारे लोग सब समाजवादी पार्टी में ही देते हैं। किसी कारणवश कुछ लोग गुमराह हो गए थे पिछले चुनाव में, जिस वजह से आदरणीय डिम्पल यादव जी मेरा मेरा किसी धर्म विशेष से नहीं, मेरा सिर्फ मुस्लिम बस्ती में, मुस्लिम मोहल्ले में आने का और लोगों से जानने का सिर्फ इतना आशय था कि जो बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगता है कि वो भाजपा की बी टीम है, और जहाँ पे जहाँ विपक्ष मजबूती से लड़ रहा होता है वहाँ वो विपक्ष का वोट काटने के लिए कैंडिडेट देती है, तो ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? उसमें कोई संदेह नहीं है। आपने बोल दिया यही सही है, बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की टीम है, बिल्कुल बिल्कुल बी टीम है। जो कैंडिडेट आए हैं यहाँ मुस्लिम, ये तो सिर्फ जो ऐसे समझौते के लिए आए हैं, बिके हुए कैंडिडेट है, ये बिके हुए कैंडिडेट है, ये एक व्यापारी रहे, ये एक व्यापारी रहे। 2014 में ये आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तब ये 2,000-2,500 वोटों में सिमट गए थे। अब ये फिर पहले दूसरे कैंडिडेट को बसपा ने टिकट दिया, एक रसूलाबाद के, फिर उसका टिकट काट के इस व्यापारी को ले आए फिर से वापस, सिर्फ और सिर्फ वोट के बहाने के काटे। मगर ये वोट कटवे भी नहीं है, इनका कुछ होना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं है। आप विकास की बात करें, आज नौजवानों की बात करें, छात्राओं की बात करें, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों के बीच में, एक मुस्लिम का यहाँ पे कोई विषय नहीं है, सारे दल, सभी जो लोग हैं, हर समाज के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास किया, उनका स्वभाव अच्छा, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना है, और काम उन्होंने कन्नौज में किया है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जिस तरीके से हाईवे एक्सप्रेस विकास उन्होंने दिया, किसी ने नहीं आज तक दिया है। इस बार विकास के नाम पे वोट, हिंदू मुसलमान के बात पे वोट नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो विकास के नाम पे वोट किया जा रहा है, अखिलेश यादव जी इतना विकास किए थे, अखिलेश यादव तो उन्हीं की पत्नी डिम्पल यादव 2019 के चुनाव में हार गए, नहीं कहीं से गद्दारों की वजह हो गया, लेकिन इस तरीके से कुछ भी नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा चुनाव यहाँ से जीतेंगे और लड़ रहे हैं। क्यों सर, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का खासकर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम कहाँ जा रहा है, क्या वोट, कुछ वोट कट रहा है मुस्लिम का जो ये इमरान चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, ना उससे कोई फर्क पड़ता है, यहाँ पे विकास के लिए वोट दिया जाएगा, और जो आगे भविष्य में भी जो है अखिलेश जी ने मतलब जो है काम अच्छे करेंगे, अगर उनको वोट मिलता है, वोट मिलता नहीं, यहाँ से लगभग हमारी समझ से 2,00,000 वोटों से जीत होगी, कम से 2,00,000 वोटों से। जी जी जी, एक लोग अगर 50,000 कम के आपने 50,000 दो, एक अगर पाल समाज और मतलब जो हमारे वर्मा वोट है ये अगर मिल जाता है तो 4 के आसपास हो गए, 4 के आसपास 1,00,000 बढ़ गया, इधर 4,00,000 बढ़ गया। अरे चाहे एक नहीं बढ़ेगा, हम लोग की 1,00,000 वोट पाल वोट और 1,00,000 वोट कितने वोटों से जीतेंगे उससे कई गुना ज्यादा है। बहुत जबरदस्त लहर है पूरे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में, किसी विधानसभा चले जाइए आप, कोई भी कास्ट नहीं, सारी कास्ट मिलकर कन्नौज में विकास किया उन्होंने, विकास के नाम पे वोट मिला उनको। ये जो इमरान आए हैं बसपा से, बसपा कुछ वोट काटेगी नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई जानते नहीं क्या है, कोई नहीं जानता इमरान कौन है, नहीं नहीं जानता, अखिलेश को बच्चा कन्नौज से जानता है कि बसपा जो है वो बी टीम है सब भाजपा की, हो या हो ना हो, आप बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा के ये प्रत्याशी 2014 में आम आदमी पार्टी ने लड़े, हमने तो आज तक इन्हें देखा नहीं, पहली बार देखा है, और अखिलेश जी तो हमने जब से वो संभाला, अखिलेश जी को बराबर देखते हैं, बराबर हमारे महल्ले हमारे घरों में आते रहते हैं, और इनका पता नहीं कि अब हार के अल्लाह जाने कब मिलेंगे कब ना मिले, वही बात है, हार के आए दोबारा कन्नौज ना या कानीपुर रह गए, ये तो हम लोग जानते नहीं, कानपुर से हाँ, हम लोग तो अखिलेश जी को जानते हैं, जिंदगी भर यहीं रहेंगे, अखिलेश जी को इसलिए जानता, प्यार करता हूँ, बच्चे भी जानते हैं, तुम भी जानते हो अखिलेश यादव, जानते हो कौन है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कौन है? जीतेंगे जीतेंगे, सांसद बनेंगे सांसद बनेंगे।
बच्चे भी जानते हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव इस साल जीतेंगे, सांसद बनेंगे। सांसद बनेंगे? कौन सी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं? कैसे नेता हैं वो? बहुत अच्छे नेता हैं। और ये जो मोदी हैं सुब्रत पाठक का, ये विकास नहीं किया। चलिए कुछ लोग पीछे हैं ले लेते हैं, चाचा यही थे एक लोग। हाँ जी, मुलायम सिंह यादव की देन है जो हम पक्के रोटों पे खड़े ना धूल। जब भी कोई चेयरमैन बना पैसा खा लिया, विधायक बना पैसा खा लिया, और जब से मुलायम सिंह की देन है और ये भैया जी अखिलेश की देन है जो आज कन्नौज में विकास है, हम लोग पक्के रोटों पे खड़े। सांसद जी सूरत पाठक जी, पांच साल ले सांसद, उन लोग कहीं भी कन्नौज जिले में काम करा है अनुन, और असुन विधायक, विधायक आइए आपको इधर, विधायक 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 ने कभी देहातों में एक हैंड पंप नहीं लगाया भाजपा वाले ने, उन सांसद जी ने कोई काम ही नहीं करा कहीं। कह रहे हमने चमचमा रहा है और गाली देते थे। चलिए 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 आइए भाई जी, चमचमा नहीं रहा। देखिए तो ये और 100 गांव गाड़ी निकालते हैं, तो ये सांसद जी का विकास दिखा रहे हैं यहाँ के लोग, जबरदस्ती की संख्या यहाँ पे, ये सांसद जी का विकास दिखा रहे हैं कन्नौज सांसद का, और इनको लोगों का मानना भी है कि जो है पानी नहीं उधर नहीं। तो इस बार क्यों चाचा क्या देख रहे हैं भैया? विकास 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 जी, अखिलेश के नाम, अखिलेश के नाम। हमको ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी बिरादरी के एक आए हैं इमरान जी बसपा से, इनका भी कुछ वोट है? नहीं नहीं, इनका वोट नहीं, कोई वोट नहीं है। क्यों भैया? इनका कुछ वोट नहीं, कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं। क्या बसपा बी टीम है भाजपा की? बसपा बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे सांसद मौजूदा रहे हुए हैं, ये अपने मोहल्ले तक में काम नहीं कराया इन्होंने, 5 साल वर्तमान सांसद जी रहे हैं, इन्होंने अपने पटकाने तक में काम नहीं कराया, नहीं करवाया नहीं। और जिले तो बात ढीलो, पटकाने का गली रोड दिखाए तो यहाँ से ज्यादा खराब है। अच्छा, आप उनके मोहल्ले के हैं? जी जी, मोहल्ले के, सांसद जी के। जी मेरा मोहल्ला जीवन, मेरा मोहल्ला। कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं? काम सुनिए सुनिए, हमने सिर्फ उनका एक काम देखा है, यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है। अच्छा, पाल चौराहे पे, वहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया यात्री प्रतीक्षालय, वहाँ पे ये लिखना चाहिए था इनको कि सांसद जी नोएडा में आप इंतजार करिए, कन्नौज नहीं आएंगे, बस जीतेंगे हम, कन्नौज नहीं आएंगे बस। ये है यार, ये बताओ, ये बड़ा इनके वीडियो वायरल होते हैं, कभी थानेदार को धमकाते हैं, कभी जो अपनी पार्टी के नेताओं को धमकाते हैं। अब आवाम वो दबंग है, दबंग है जी, दबंग से काम करते हैं, दबंग ही है उनकी। अखिलेश भैया ने जितना काम कराया है कन्नौज, कन्नौज में जो है विकास के ऊपर ही वोट मिलेगा, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने काम करवाया? हाँ, आ जाओ आगे। आपसे तो बात हो गई है ना? आपसे भी हो गई है। क्यों चाचा, आओ, कहाँ गए हमारा कैमरामैन को भैया आने दो पहले। क्या देख रहे हैं इस बार, ये बसपा कुछ असर डालेगी यहाँ पे? कोई असर नहीं डालेगी बसपा यहाँ पर, मतलब जो है एक तरफा चुनाव है, अखिलेश यादव जी की सुनामी है इस बार यहाँ। सुनामी है जी, अभी 3 विधानसभा घूम के मैं आया हूँ। हम आपको क्या बताएं, हर कास्ट का, हर धर्म का, हर मतलब सारे लोग एक तरफा वोट देने के लिए तैयार है अखिलेश यादव जी को। 5 साल जो विकास का पहिया रुका हुआ था, वो लोगों को एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई है, और उस गलती को सुधारने की बात, सुधारने की कोशिश करेंगे, और बहुत रिकॉर्ड मतों से जितवाएंगे इस बार। जो एक आरोप लगता है बहुजन समाज पार्टी पे कि वो इस समय भाजपा की बी टीम के रूप में काम करेगी, इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, आप ये बताइए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप खुद समझते हो कि मायावती चुनाव लड़ रही हैं कि किसी को फायदा पहुंचा रही हैं? आप खुद समझ जाइए। अभी एक जगह देखा आपने जो है, जो कैंडिडेट मतलब बीजेपी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसका वो टिकट काट दे। जौनपुर धनंजय सिंह की पत्नी कला सिंह को टिकट दिया गया, जब उनको मालूम है कि इलेक्शन बढ़िया लड़ रही है, वो बीजेपी का प्रत्याशी हार जाएगा, तो उनका टिकट काट करके श्याम यादव को टिकट दे दिया। यहाँ पे यादव कैंडिडेट है तो मुस्लिम उतार दिया, और वहाँ पे कुशवाहा है तो वहाँ पे यादव उतार दिया। 3 लाख के आसपास यहाँ मुस्लिम है, तो उनकी थिंकिंग ये थी कि अगर हम यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी देंगे तो मतलब जो है बीजेपी को फायदा पहुँच जाएगा, 1,50,000 वोट कर। लेकिन यहाँ पर अगर 5,000 वोट भी इमरान मसूद ले जाए, इमरान क्या नाम उनका है, इमरान जफर, तो आप देख लेना 5,000 तक वोट उनको मिल जाए। इमरान जफर का कोई असर नहीं है? नो नो नो, कोई असर नहीं, जमानत। क्यों भैया? सर मैं तो बाल्मीकि समाज से हूँ। बाल्मीकि समाज से जी, और मैं तो ये एक चीज ये जानता हूँ, कोई नहीं है चक्कर में क्यों पड़े हो टक्कर में। यहाँ पे सिर्फ अखिलेश यादव ही है, और अखिलेश यादव ही रहेंगे। अखिलेश यादव ही आए? हाँ जी।
और किसी को नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा अखिलेश यादव की इतनी दीवानगी क्यों है? सर दिल से चाहते हैं उनको, दिल से बिल्कुल, और वो भी हम जनता को चाहते हैं। जी हाँ, उसका कुछ कारण विकास की बात कीजिए तो विकास तो आपको खुद दिख जाएगा। मेरे ख्याल से 10 साल पहले का ही ये, देख लीजिए रोड, अखिलेश यादव के ही जमाने का ये। तो ये जो काम हुआ अखिलेश यादव के जमाने में, जी अच्छा बिल्कुल। तो ये ये जो सांसद जी हैं, ये सांसद जी क्या है, सांसद जी अभी जब से जीते हैं जब से कहीं दिखे नहीं, दिखे नहीं, दिखे अब क्यों नहीं, सांसद जी कहाँ दिखते हैं, सांसद दिखते ही नहीं है। वो तो एक निकलना हुआ रास्ता के बारे में, और ये जो इमरान मसूद क्या नाम है इनका, इमरान बिन जफर, इनके बारे में क्या सोचते हैं? बेकार आदमी, बेकार है बिल्कुल, बेकार, बीजेपी के डमी कैंडिडेट है। लेकिन मायावती जी ने तो सोचा था कुछ वोट मिल जाएगा, इसलिए सोचा था क्योंकि वो चाह रहे थे कि अखिलेश यादव की यहाँ से हार हो, मतलब समाजवादी पार्टी के। जी बताइए जी, देखिए आज का जो युग चल रहा है, युवा परेशान है, नौकरी के नाम पे ठगा है सरकार ने, और जो मैनिफेस्टो चलिए महिलाएं भी हैं इस बार यहाँ, उन कन्नौज की महिलाएं क्या सोच रही हैं और किसके साथ जा रही हैं, अखिलेश यादव या फिर जो ये बसपा के कैंडिडेट हैं इमरान बिन जफर, इनके साथ? कन्नौज की महिलाओं ने मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रही हैं। समाजवादी पार्टी, और अब आप ये पूछ लीजिए क्यों जा रही हैं तो वो भी बता, क्यों जा रही हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि इस देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, इस देश की बेटियां जब देश और दुनिया में खेल कर मेडल लाई तो इस देश की हुकूमत, इस देश के हुक्मरान, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके मेडल की भी परवाह नहीं की। पढ़ी लिखी हो या गैर पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया के टीवी चैनल के माध्यम से तो वो देख रही हैं कि देश के बेटियों के साथ कितना अपमान हो रहा है। जो उन्होंने फ्री सिलेंडर के देने का वादा किया था, महिलाएं घर चला रही, जरा उनसे पूछिए कि वो कैसे 1100 1000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो मोदी जी ने जितना बेवकूफ बनाया, महिलाएं बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं, इसलिए कन्नौज की एक एक महिला डिम्पल भाभी जी के किए हुए कार्यों को याद कर रही है, कन्नौज की एक एक महिला अखिलेश भैया की एक एक वादों को याद कर रही है कि जिस तरह उन्होंने कन्नौज को इस गुलदस्ते के तरह सजाया था, यहाँ के सांसद जी ने उसे बिखार के रख दिया है। एक बार फिर जनता ने इकट्ठा होकर ये कहा है कि अखिलेश भैया आप फिर आइए, इस कन्नौज में फिर से आपकी खुशबू की ज़रूरत है। तो यहाँ की एक एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला रही है। दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो आप हैं, और जब कोई पढ़ी लिखी महिला आती है और इस तरह जब बात रखती है मुद्दों की, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो इस तरह अपने मुद्दों पे और अपने हक और हकूक़ की बात कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तमाम महिलाएं हैं, 5 किलो राशन की बात होती है या वो गैस फ्री सिलेंडर की बात होती है, इन मुद्दों पर भी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ उन पर भी जाती हैं, और ख़ासकर इस सरकार ने आधी आबादी और महिलाओं पर ही ज़्यादा फोकस किया है। जी देखिए, इस देश की जो आधी आबादी है, जो हमारी महिलाएं 5 किलो राशन को लेके महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि महिलाएं उन्हें इस देश से उखाड़ना चाहती हैं। जो आप ये कह रहे हैं 5 किलो राशन से, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मासूम, जो इनकी राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं, वो गुमराह हैं। लेकिन अब गांव-गांव की महिला भी जान चुकी है कि बेटियों की जब हक की बात होती है, जब बेटियों की इज्जत तार तार होती है, तो उनकी सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है। इस देश की महिलाओं को बदलाव चाहिए, इस देश की महिलाओं को एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो उनकी आबरू की परवाह कर सके। जो इस देश में इस समय हुकूमत कर रहे हैं, उनको महिलाओं से की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको इस देश के नौजवान बेरोजगार जो फिर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। इस देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। लोग जाग चुके हैं, लोगों को अंदाज़ा है, लोगों को पता है कि अब इस देश को अगर बचाना है तो एकजुट होकर मोदी जी को इस देश से हटाना पड़ेगा, अन्यथा ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस समय महिला हैं तो मैं इस पे बात कर लूं कि रसोई चलाना कितना टफ काम है। आप खुद समझ रहे हैं रसोई चलाना कितना टफ है, क्योंकि आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आपको अंदाज़ा होगा कि तेल के दाम क्या हो चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम क्या हो चुके हैं, दालों के दाम क्या हो चुके हैं, सब्जी के दाम किस तरह से बढ़ गए हैं। अब आप एक बात बताइए, एक मिडिल क्लास या एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति कैसे 200-250 रुपये में दाल खरीद सकता है, 25 रुपये में वो आलू कैसे खरीद सकता है जो 400-300 रुपये में मजदूरी कर रहा है, वो इस मजदूरी से अपना घर कैसे चला सकता है, आप ही बता दीजिए। आपसे ही मेरा ये सवाल है कि आप बताइए कि इस देश की महिलाएं किचन में किस तरह से, रसोई में किस तरह से मजदूरी करके किस तरह से अपने परिवार को पाल रही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इस देश को एक
बेहतरीन देश बना के इस देश की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएंगे। आज इस देश की इकोनॉमी का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। इस देश की अनपढ़ महिलाएं, जो अभी आपने कहा था, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे देश की जीडीपी का क्या हाल है, ये वो सारी महिलाएं इस देश में हो रहे अत्याचार और महिलाओं से और किचन से लेकर और उनके घर में जो बेरोज़गारी है, उस बेरोज़गारी को देख कर पूरी तरह से मन बना चुकी हैं। इस देश की आधी आबादी पूरी तरह से, जिन्हें हम महिलाएं कहते हैं, वो पूरी तरह से इस देश से माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाना चाहती हैं, बिल्कुल बदलाव चाहती हैं। तो चाचा, क्या माहौल है इस बार, जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ या इमरान बिन जफर के साथ? किसी पाक सिर्फ अखिलेश के साथ जा रहे हैं, मुसलमान नहीं, मुसलमान के अलावा हट के जो गरीब मजदूर किसान सब लोग अखिलेश। आप तो अब उम्र के हिसाब से लगता है कि नेताजी के साथ आपको मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम करने का, या उन्होंने देखा होगा? छोटा हूँ। आप उनसे एक साल छोटे हैं बस। वो यहाँ पहले सांसद यहीं थे, वही थे अखिलेश यादव से पहले, तो उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा कोई कहानी हो या कोई काम है? दिखा रहा है ये जो चौड़े चौड़े रोड है, उन्हीं के कार्यकाल के। मुलायम सिंह यादव, ये मुलायम सिंह यादव की ही देन है। हाँ, पूरे इलाके में मैंने घूम के देखा, जहाँ भी जाओ वहाँ रोड चौड़े मिलेंगे, लेकिन अब उन रोडों में दसियों साल से जो खड्डे पड़ रहे हैं वो उसको कोई संभालने वाला नहीं, वो नहीं हो रहा है। तो सर, कहाँ जा रहा है इस बार माइनॉरिटी का वोट जो है? क्या ये जो इमरान बिन जफर आए हैं बसपा से, कुछ असर है उनका भी, कुछ वोट कट रहे हैं? नहीं, यहाँ से सब पूरा अखिलेश को ही है। अखिलेश को? हाँ, अखिलेश को ही है, और माइनॉरिटी से ही नहीं, मेजॉरिटी से भी अखिलेश को ही बहुत ज़्यादातर जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी में अखिलेश को पसंद कर रहे हैं लोग, बहुत पसंद कर रहे हैं। जितना भी विकास कन्नौज में हुआ अखिलेश का ही कराया हुआ है, ये बात सत्य है। तो ये हम कन्नौज में माइनॉरिटी के लोगों के बीच में थे, लोगों का कहना है कि जो विकास कन्नौज का अखिलेश यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव के रहते हुए यहाँ हुआ, वो जो 5 साल से यहाँ से सुब्रत पाठक है उनके कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। लोगों का ये भी मानना है कि वो यहाँ कम आते हैं, नोएडा ज़्यादा रहते हैं। इस बार जो माइनॉरिटी का वोट है वो पूरी रूप से लामबंद होके वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। जो यहाँ से बसपा प्रत्याशी हैं इमरान बिन जफर, उनके साथ ऐसा कोई वो नहीं है, वो उनको लोग वोट कटुआ की तरह नज़रिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि बसपा जो है इस समय वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।